हाँ, तो इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि कॉम्प्टन इफेक्ट को किस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा समझाया गया, और वहाँ पे अपने पास क्वांटम शिफ्ट का जो फॉर्मूला था वो निकाला था। और क्वांटम शिफ्ट है वो डिपेंड करता है अपने पास डायरेक्शन ऑफ स्केटरिंग फोटोन के ऊपर, जो स्केटर्ड फोटोन है उसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्वांटम शिफ्ट। तो अपने पास जब उसका मान 180 आता है तो उस कंडीशन में क्वांटम शिफ्ट आपके पास आता है मैक्सिमम, और उसका मान जब 0 होता है तो उस कंडीशन में क्वांटम शिफ्ट आपके पास आता है 0। और आज अपन पढ़ेंगे जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है या स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन किस प्रकार से डिसाइड करेंगे, या उसकी जो डायरेक्शन है उसको अपन उसके पदों में ज्ञात करेंगे, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के पदों में और इंसिडेंट ये सॉरी रिकॉइल फोटोन के पदों में और इंसिडेंट फोटोन के पदों में, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन अपन लिख सकते हैं वहाँ से पिछले वाले वीडियो से। ये अपने पास था मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, और नीचे वाली इक्वेशन थी ये मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई डायरेक्शन। तो इन दोनों नीचे वाले समीकरण का से सॉरी ऊपर वाले समीकरण से नीचे वाले समीकरण को डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले समीकरण से नीचे वाले समीकरण को डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। तो इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड में एम बी सी से एम बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपके पास बन जाएगा टेन थीटा। इस इक्वेशन में एच से एच क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट, ऊपर नीचे एच है, बाकी पार्ट बचा वो यहाँ पे राइट किया कर दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। अब अपन इसका मैं न्यू प्राइम से ऊपर नीचे डिवाइड करवाता हूँ, न्यू प्राइम से ऊपर नीचे डिवाइड कराऊंगा तो ऊपर से न्यू प्राइम कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आपके पास इधर से न्यू प्राइम कैंसिल आउट और इधर आपके पास आ जाएगा न्यू न्यू प्राइम, ठीक है। जो लास्ट में अपने पास क्वांटम शिफ्ट है इन फ्रिक्वेंसी फॉर्म में था तो अपन ये इक्वेशन प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से अपन न्यू इस इक्वेशन को एडजस्ट करते हैं, तो ये वाली यहाँ पे अपने पास इसको डिवाइड करते हैं न्यू न्यू प्राइम से, तो ये इक्वेशन इधर से आपके पास राइट हैंड साइड में प्राप्त होती है और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सेम इक्वेशन प्राप्त होती है। अब इस होल इक्वेशन को अपन न्यू से मल्टीप्लाई करवा दें, होल इक्वेशन को न्यू से मल्टीप्लाई कराने पर ये इक्वेशन आपको प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपके पास अभी इस वन को उठा के इधर ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास नीचे वाले इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब न्यू अपॉन न्यू प्राइम का मान इस इक्वेशन में पुट करा दें, यहाँ पे अपने पास न्यू अपॉन न्यू प्राइम का मान यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट करवाते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन आती है अगले वाली ये मिलती है आपको, ठीक है। अब इस वन माइनस कोस थीटा को इसके साथ लेते हैं, सॉरी माइनस कोस थीटा को इसके साथ लेंगे तो आपके पास वन माइनस कोस थीटा बन जाएगा। अब वन माइनस कोस थीटा ये वाला, ठीक है, आगे यहाँ से वन माइनस कोस थीटा अपन बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास अगले वाले जो समीकरण बनेगी वो ये समीकरण बनेगी, ठीक है। यहाँ से अपने पास ये जो है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की अपने पास क्या होगी, डायरेक्शन आएगी, यानी टेन थीटा का मान, तो यहाँ पे अपने पास फाई का मान और न्यू का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की आपके पास क्या आएगी, डायरेक्शन प्राप्त हो जाएगी। टेन थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे और थीटा का मान टेन इनवर्स समथिंग आ जाएगा। अब अपन देखते हैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी अपने पास होती है वो अपने पास होती है जो इंसिडेंट फोटोन होता है और जो अपने पास स्केटर्ड फोटोन होता है उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो इंसिडेंट जो अपने पास फोटोन होता है वो कितनी एनर्जी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को देता है, कितनी एनर्जी अपने पास उस टक्कर में उसको खोता है, टक्कर में जितनी एनर्जी खोता है वो कम्प्लीटली कौन ले लेता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में चली जाती है, ठीक है। तो नीचे अपन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा वन अपॉन एम सॉरी हाँ वन बाई टू एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम। यहाँ से अपन एच न्यू कॉमन ले तो आपके पास न्यू न्यू प्राइम होता है। सेम ऊपर से जैसे न्यू अपॉन न्यू प्राइम का मान आपने निकाला था वन प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर वन प्लस बस सॉरी वन माइनस कोस थीटा, तो उसका मान अपन यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन आपको मिलती है, ठीक है। ये इक्वेशन आपको प्राप्त होती है यहाँ से अपन वापस से इस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर को अपन क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं, ठीक है, किसी कॉन्स्टेंट के बराबर इसको माना जा सकता है। तो आगे ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर को पुट करने के बाद, आगे अपन सोल्व करते हैं इससे इस इक्वेशन को यहाँ से आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो ऊपर से
अपने पास वन प्लस अल्फा वन माइनस कोस फाई है, तो आपके पास यहाँ पे प्लस वन है, ये माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त होती है, ठीक है। अब के अपॉन एच न्यू यानी इंसिडेंट फोटोन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालते हैं तो आपके पास ये प्राप्त होता है। अब जब अपने पास फाई का मान 180 होता है यानी बैकवर्ड स्केटरिंग होती है, ठीक है, कि फोटोन अपने पास जिस दिशा से आया उसी दिशा में वापस चला जाता है, उस कंडीशन में अपने पास जो एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होती है, यहाँ पे फाई का मान पुट करने पर ये वाला इक्वेशन आपको प्राप्त होता है। ये आपके पास जब फोटोन होता है वो मैक्सिमम ऊर्जा किसको ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। कब, जब अपने पास फाई का मान 180 होता है, उस कंडीशन में मैक्सिमम एनर्जी फोटोन किसको, इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम प्राप्त होगी, और वो आपके पास आती है एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन एच न्यू वन प्लस एम नोट सी स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन कॉम्पटेंट वेवलेंथ के रूप में लिख सकते हैं, कॉम्पटेंट वेवलेंथ रूप में और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ के रूप में। तो कॉम्पटेंट वेवलेंथ का मान अपने पास था लेमडा सी अपॉन एच, लेमडा सी इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी, ये अपन लिख सकते हैं कल वाले फॉर्मूले से, और सी बराबर आपके पास आ जाएगा न्यू लेमडा, तो न्यू बराबर आपके पास प्राप्त होगा यहाँ से सी अपॉन लेमडा, कितना प्राप्त होगा सी अपॉन लेमडा, तो न्यू का मान अपन पुट करते हैं सी अपॉन लेमडा, ये आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे अपने पास सेम ऐसे कैसा लिखते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त हुई, पहले अपन न्यू का मान पुट करें सी अपॉन लेमडा, तो यहाँ पे पास इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन आपको प्राप्त हो, ठीक है। इसके बाद में इसको लैम्डा स्क्वायर को नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त होती है इस यहाँ से, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब एच का मान यहाँ से अपन लिख सकते हैं लैम्डा सी की फॉर्म में, एच बराबर आपके पास आएगा एम नोट इंटू लैम्डा सी, एच का मान यहाँ पे पुट करवाते हैं इस समीकरण में यहाँ से, तो ये वाली समीकरण आपको प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ से अपन एम नोट सी स्क्वायर, यहाँ से एम नोट सी स्क्वायर और यहाँ से एम नोट सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास एम नोट सी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं, ये वाली इक्वेशन पड़ जाए, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं आपके पास के मैक्सिमम का मान ये आता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया किसके अंदर, कॉम्पटन वेवलेंथ के रूप में और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ के रूप में, ठीक है। तो ये अपने पास कॉम्पटन शिफ्ट कम्प्लीट हुआ है, यहाँ पे कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट, कॉम्पटन शिफ्ट क्या क्या होता है, रिकॉल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम मैक्सिमम होती है, रिकॉल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, और कॉम्पटन इफेक्ट को क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा किस प्रकार से समझाया गया, और कॉम्पटन इफेक्ट को द्वारा क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा क्यों नहीं समझाया गया, ये सभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं अपन मैटर वेव के बारे में, ठीक है। मैटर वेव के बारे में अपन क्या किस प्रकार से चर्चा करते हैं, तो मैटर वेव से पहले अपन देखते हैं, ठीक है, जो अपने पास रेडिएशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो अपने पास दो प्रकार की नेचर शो करती है, ठीक है। एक अपने पास पार्टिकल नेचर और दूसरी अपने पास है वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर अपने को यहाँ से शो हो रही है, कहाँ से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या कॉम्पटन इफेक्ट में अपन ने यूज किया है एक्सरे, ठीक है, और वहाँ पे अपने पास यूवी लाइट यूज की, तो ये अपने पास क्या कर रहा है, पार्टिकल नेचर की तरह शो कर रहा है। जैसे अपने पास कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर फोटोन आ रहा है, अब वहाँ पे अपने पास क्या कर रहा है, जो एटम इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में कोलिजन कर रहा है, और कोलिजन करके अपने पास उसकी अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी के उनकी एनर्जी क्या हो रही है, आपके पास लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रहा है, जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उतनी एनर्जी अपने पास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है, किसके रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो यहाँ पे अपने पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में अपने पास क्या होती है, पार्टिकल नेचर की तरह शो करती हैं, ठीक है, पार्टिकल नेचर शो करती है, जबकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न में अपने पास जो रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो अपने पास क्या होती है, वेव नेचर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो अपने पास ड्यूल नेचर शो करती है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरी अपने पास वेव नेचर, ठीक है। तो ये अपने पास बोर ने ये बताया था कि बोर ने ये अपने पास जो उसका संपूरकता सिद्धांत है उसके अंदर ये चर्चा की थी उसने, बोर ने, कि इसकी जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो अपने पास दो प्रकार की नेचर से करती है, एक पार्टिकल नेचर दूसरी वेव नेचर, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं, बोर के अनुसार अपने पास जो विकिरण की संपूर्ण विवेचना करें, जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अपन कंप्लीट विवेचना करें, तो
तरंग और कण प्रकृति दोनों आवश्यक है। तो विकिरण की संपूर्ण विवेचना करने के लिए अपने पास उसकी तरंग प्रकृति भी होनी चाहिए और कण प्रकृति भी आनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दोनों प्रकृति एक ही एक्सपेरिमेंट में एक साथ क्यों नहीं हो सकती, एक एक्सपेरिमेंट में एक ही चीज होगी, यानी एक में अपने पास आप पार्टिकल नेचर हुई है तो दूसरे वाले में क्या हो, उसी अंदर ही क्या नहीं होगी, वेव नेचर नहीं होगी। दूसरे में वेव नेचर से हो रही तो वहाँ पे अपने पास क्या चीज़ नहीं होगी, पार्टिकल नेचर नहीं होगी। यानी एक साथ अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ही नेचर शो करती है, ठीक है। लेकिन होती हैं दोनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दोनों नेचर, एक होती है पार्टिकल नेचर और दूसरी वेव नेचर, दोनों होती हैं लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में एक साथ अपने पास एक ही नेचर वो शो करती है, ठीक है। इसी प्रकार डी ब्रोगली ने बताया, ठीक है, जो भी अपने पास मैटर पार्टिकल्स हैं उनकी भी अपने पास क्या होनी चाहिए, ड्यूल नेचर होनी चाहिए, ठीक है। सेम अपने पास क्या होनी चाहिए, जो वेव रेडिएशन है उनकी तरह अपने पास उनकी भी क्या होनी चाहिए, आपके पास ड्यूल नेचर होनी चाहिए। एक अपने पास पार्टिकल नेचर होनी चाहिए, दूसरी आपके पास क्या होनी चाहिए, वेव नेचर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस परिकल्पना के लिए अपने पास उसने अब ये परिकल्पना दी, तो इसका पहले अपने पास जो पार्टिकल होते हैं वो तो पार्टिकल नेचर तो शो ही करते हैं, अब उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट भी शो कर दिया कि इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या करता है, डेविसन जर्मर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, यानी जो अपने पास मैटर पार्टिकल है वो भी दोनों नेचर शो करें। अब आगे आगे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट बढ़ा उसके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल, ये सभी अपने पास क्या करते हैं, पार्टिकल नेचर के साथ साथ कई एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास क्या करते हैं, वेव नेचर भी शो करते हैं। तो डेविसन जर्मर प्रयोग के बाद में जेपी थॉमसन ने भी अपने पास क्या किया, इस प्रयोग द्वारा सत्यापित किया कि इलेक्ट्रॉन जो अपने पास होता है वो वेव नेचर को शो करता है, ठीक है। अब डी ब्रोगली रिलेशन है उसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पे कोई भी अपने पास चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज क्यू, वो अपने पास क्या करता है, गति करता है, तो उसका मोमेंटम अपने पास क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो उसकी वेवलेंथ अपने पास हो जाएगी एच अपॉन पी, ठीक है। जहाँ पे अपने पास लेमडा को वेवलेंथ को बोल सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो अपने पास होती है उसको मैटर वेव भी बोला जा सकता है, डी ब्रोगली वेव को अपन क्या बोल सकते हैं, मैटर वेव भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन लागू होती हैं, दो कंडीशन अपने पास होती है कि जो अपने पास पार्टिकल की वेलोसिटी है वो वी लेस देन सी है। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास क्या होगा, वी लेस देन लेस देन सी है, तो पी बराबर आपके पास क्या होगा, एम नोट हुई, जहाँ पे अपने पास एम नोट है रेस्ट मास ऑफ मास ऑफ रेस्ट पार्टिकल, यानी पार्टिकल का रेस्ट पोजिशन के अंदर मास। तो जो अपने पास है डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन जब अपने पास कंडीशन होगी वी लेस देन सी। अब यहाँ पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी ई बराबर एक बटा दो एम नोट सी स्क्वायर, ठीक है। एम नोट के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ से आपके पास एम नोट वी का मान निकलता है, एम नोट वी का मान यहाँ पे पुट करते हैं आपके पास लेमडा का मान प्राप्त होता है, ये लेमडा बराबर एच अपॉन रूट टू एम नोट वी, ठीक है। अगली कंडीशन है जब अपने पास उसकी वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, लगभग सी की वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, रिलेटिविटी लागू हो जाएगी, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू हो जाएगी। तो उस कंडीशन में इसकी वेवलेंथ अपने पास होगी एच अपॉन एम इंटू वी, जहाँ अपने पास ये मूविंग पार्टिकल का मास, ठीक है। तो मूविंग पार्टिकल का मास अपन देते हैं एम बराबर एम नोट रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे अपने पास एम है मूविंग पार्टिकल मास और एम नोट है रेस्ट मास पार्टिकल, ठीक है, या पार्टिकल का रेस्ट मास, ठीक है। यहाँ पर टोटल एनर्जी अपन निकालेंगे तो आपके पास आएगा ई बराबर रूट ओवर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी फोर। तो ये अपने पास होती है रिलेटिव रिलेशन है ये एनर्जी के अंदर, ठीक है, यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ से अपन बात कर सकते हैं, कोई भी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होता है उसको अपन वी विभवांतर देकर क्या करते हैं, उसको गति प्रदान करते हैं, वी विभवांतर देकर अपन क्या करते हैं, उसको त्वरित करते हैं। तो उस कंडीशन में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो अपने पास आती है के बराबर क्यू इंटू वी, ठीक है। तो ये अपने पास जो वी विभवांतर दिया है वो अपने पास इतनी उसकी काइनेटिक ऊर्जा में क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ई बराबर अपन पुट करते हैं क्यू वी इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे अपने पास नॉन रिलेटिव केस लगेगा, तो ई बराबर क्यू वी पुट करने पर आपके पास जो वेवलेंथ प्राप्त होती है वो ये वाले प्राप्त होती है। अब अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए चर्चा करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए एच एम नोट और क्यू का मान पुट करने पर आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यहाँ तक। हाँ, अगर अपने पास कंडीशन आती है, अगली कंडीशन अपन देखते हैं यहाँ पे पी लेस देन क्या होना चाहिए, पी इंटू सी, यहाँ पे अपने पास पी इंटू सी आएगा, ध्यान रखिए इस बात का,
पी इंटू सी लेस देन एम नोट सी स्क्वायर। ठीक है, तो एम नोट सी स्क्वायर अपने पास है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की रेस्ट एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी अपने पास है। तो यहाँ पे आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ अपने पास होगी ये वाली, यानी सेम जो पहले वाला केस है उस कंडीशन में वी लेस देन सी। तो यहाँ पे पी इंटू सी का मान आपके पास एम नोट सी स्क्वायर यानी रेस्ट मास पार्ट रेस्ट एनर्जी ऑफ पार्टिकल से क्या होना चाहिए, बहुत कम हो, उस कंडीशन में अपने पास वेवलेंथ का फॉर्मूला यही यूज होगा। ठीक है, ये डी ब्रोगली के अनुसार है। जब अपने पास पी इंटू सी लगभग आपके पास क्यों रेस्ट मास पार्टिकल से हो, लगभग अपने पास रेस्ट मास पार्टिकल एनर्जी से इक्वल हो लगभग, या पी इंटू सी ग्रेटर देन एम नोट सी हो, उस कंडीशन में अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला ये लग। ठीक है, और टोटल एनर्जी अपने पास हो जाएगी एम नोट सी स्क्वायर प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे ई का मान इसी इक्वेशन से पुट करते हैं इधर, तो आपके पास जो समीकरण निकल के आती है ये वाली समीकरण प्राप्त होती है। इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आपके पास ये समीकरण प्राप्त होता है। अब ये अपने पास रेस्ट मास एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, आगे अपन इसको सोल्व करते हैं। इधर भी आपके पास क्या था m0 square c^4 और इधर भी आपके पास राइट हैंड साइड में भी m0 square c^4। यहाँ पे अपन इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास p इंटू सी का मान निकालते हैं तो ये निकलता है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ से अपन लिख सकते हैं h/p, ऊपर नीचे s से मल्टीप्लाई sc/pc। pc का मान यहाँ पे पुट करने पर आपके पास वेवलेंथ का मान आता है ये। ठीक है, तो ये अपने पास होता है जब आपके पास p इंटू सी का मान लगभग हो एम नॉट सी स्क्वायर से और p इंटू सी का मान आपके पास क्या हो ग्रेटर देन एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास बोर ने बताया था कि बोर की जो अपने पास अजम्पशन थी वो बोर के अनुसार अपने पास रेडिएशन दो प्रकार की नेचर से करती है, जबकि डी ब्रोगली ने भी वहाँ पे अपने पास परिकल्पना दी थी कि आपके पास क्या हो रहा है जो मैटर पार्टिकल होते हैं वो भी क्या करते हैं दो प्रकार की नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो डेविसन जनरल प्रयोग और जेपी थॉमसन मेथड, इन सभी ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के लिए वेव नेचर फाइंड की। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास अब वेव फंक्शन इनका किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से ये गति करनी चाहिए और किस प्रकार से अपने पास मैटर वेव गति करती हैं, ये अपन पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में अगले वाले चैप्टर में। ठीक है, अगले वाले जो अपने पास लेक्चर आएगा ये इस बेस पे होने चाहिए कि मैटर वेव किसी भी मीडियम के अंदर या किस प्रकार से गति करती हैं, किस प्रकार की नेचर होती है उनकी, किस प्रकार से वो किसी भी जो अपने पास एटम होते हैं कोई दूसरी बॉडी होती है उस प्रकार से किस प्रकार से इंटरेक्ट करती हैं, ये सभी अपन पढ़ेंगे अगले आने वाले वीडियो के अंदर।